दोस्तों, भारत का सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12th सीजन टीवी पर टेलीकास्ट किया जा चुका है और अब 13वां सीजन भी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है इंडियन आइडल सीजन 13 का विनर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 1 से सीजन 13 तक के सभी विनर्स के नाम, जिन्हें कितना प्राइज मनी मिला था और वो सभी विनर्स कहाँ हैं और किस हालत में हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके सभी सीजन के विनर्स के बारे में। तो सबसे पहले साल 2004 में इंडियन आइडल का सबसे पहला सीजन टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और इंडियन आइडल का पहला सीजन अनु मलिक, फराह खान और सोनू निगम ने जज किया था और उस सीजन के विनर थे अभिजीत सावंत। विनर बनने के बाद अभिजीत को सोनी टीवी की तरफ से 50 लाख रुपए और एक मारुति सुजुकी कार और कुछ एल्बम सॉन्ग्स में गाना गाने का मौका मिला था। इंडियन आइडल सीजन 2। जी हाँ, इंडियन आइडल का दूसरा सीजन साल 2006 में टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और इस सीजन के विनर बने थे बीकानेर राजस्थान के संदीप आचार्य। और इनके विनर बनने के बाद इन्हें 50 लाख रुपए और 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और एक मारुति बलेनो कार भी मिली थी। साथ ही संदीप आचार्य को टी सीरीज के साथ काम करने का मौका भी मिला था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना कमाल का सिंगर बहुत ही कम उम्र में ही हम सभी को छोड़कर दुनिया से चला गया। जी हाँ, 15 दिसंबर 2013 को जॉइंटिस की वजह से इनकी मौत हो गई। इंडियन आइडल सीजन 3। वैसे इंडियन आइडल का तीसरा सीजन टीवी पर साल 2007 में टेलीकास्ट किया गया था और इस सीजन के विनर थे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के प्रशांत तमांग। वैसे प्रशांत तमांग सिंगर होने के साथ साथ एक्टर भी हैं और इनके नेपाल में कई एल्बम सॉन्ग्स भी रिलीज हुए हैं। प्रशांत के विनर बनने के बाद इन्हें 50 लाख रुपए, एक कार और टी सीरीज के साथ काम करने का मौका मिला था। इंडियन आइडल सीजन 4। इंडियन आइडल का चौथा सीजन 2008 में आया था और इस सीजन की विनर थी सुरभि देव वर्मा। वैसे इंडियन आइडल में यह पहली बार हुआ था जब कोई फीमेल कंटेस्टेंट शो की विनर बनी थी और सौरभि के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने उल्टा लटक कर 4 मिनट 30 सेकंड तक गाना गाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। और वहीं सौरभि को विनर बनने के बाद 50 लाख रुपए, एक कार और एक एल्बम सॉन्ग में गाना गाने का मौका मिला था। इंडियन आइडल सीजन 5। दोस्तों, इंडियन आइडल का पांचवा सीजन साल 2010 में रिलीज किया गया था जिसके विनर थे श्री रामचंद्रा। वैसे इन्हें विनर बनने के बाद काफी सफलता मिली क्योंकि इन्हें बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला और देखा जाए तो ये इंडियन आइडल की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल विनर हैं। इंडियन आइडल सीजन 6। वैसे इंडियन आइडल का छठा सीजन साल 2011 में आया था और इस सीजन के विनर थे अमृतसर पंजाब के विपुल मेहता। जी हाँ, इन्हें भी सोनी टीवी की तरफ से 50 लाख रुपए, एक कार और एक एल्बम सॉन्ग में गाना गाने का मौका मिला था। वैसे इस समय विपुल स्टेज शो करने में बिजी हैं। अब इंडियन आइडल सीजन 6 के बाद 7 और 8 नहीं हुआ था क्योंकि इसकी जगह इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 और सीजन 2 टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। जी हाँ, इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 की विनर बनी थी अंजना पद्मनाभन और इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 की विनर बनी थी अनन्या नंदा। जी हाँ, ये दोनों ही सीजन बहुत ही पॉपुलर हुए थे। लेकिन इसके बाद साल 2017 में इंडियन आइडल का 9वां सीजन आया जिसके विनर रहे एलबी रेवंत। जी हाँ, ये बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में गाना गा चुके हैं। इन्होंने बाहुबली मूवी में मनोहारी सॉन्ग गाया था जिसके लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले थे। इंडियन आइडल सीजन 10। जी हाँ, इंडियन आइडल का 10वां सीजन साल 2018 में टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और आपको बता दूं कि इंडियन आइडल के अभी तक के सभी सीजन्स का ये सबसे बेस्ट सीजन था क्योंकि इसका हर एक एपिसोड बहुत ही शानदार और पॉपुलर था और इस सीजन के कंटेस्टेंट्स तो लाजवाब थे। वैसे इंडियन आइडल सीजन 10 के विनर का खिताब सलमान अली ने अपने नाम किया था। सलमान अली डिजर्व करते थे विनर की ट्रॉफी क्योंकि वो हर एक जॉनर में बहुत ही अच्छा गाना गाते थे और विनर बनने के बाद इन्होंने सलमान खान जैसे बड़े एक्टर की फिल्मों में भी गाना गाया और साथ ही सलमान अली जी टीवी और सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो में एज अ कैप्टन भी नजर आ चुके हैं। इंडियन आइडल सीजन 11। साल 2019 में इंडियन आइडल का 11वां सीजन आया था जिसके विनर सनी हिंदुस्तानी थे और ये सीजन भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। वैसे सनी हिंदुस्तानी का हर एक परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होता था और इन्हें विनर बनने के बाद 50 लाख रुपए, एल्बम सॉन्ग में गाना गाने का मौका और एक मारुति सुजुकी कार दी गई थी। और अभी सनी हिंदुस्तानी स्टेज शो करने में बिजी हैं। इंडियन आइडल सीजन 12। वैसे इंडियन आइडल सीजन 12 साल 2020 में टीवी पर टेलीकास्ट किया गया और रियलिटी शो की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि कोई सिंगिंग रियलिटी शो पूरे 10 महीनों तक चला हो। जी हाँ, इंडियन आइडल सीजन 12 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस सीजन ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे
और इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन बने थे, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वैसे पवनदीप बहुत ही कमाल के परफॉर्मर हैं और इस समय ये वर्ल्ड वाइड स्टेज शोज कर रहे हैं, इंडियन आइडल सीजन 13। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर के बारे में। तो इंडियन आइडल सीजन 13 इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस सीजन के सभी कंटेस्टेंट्स कमाल के सिंगर हैं और ये सभी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। वैसे इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर की बात करें तो आप इस समय कोई भी वोटिंग ले लो, कोई भी रिपोर्ट्स ले लो या फिर कोई भी आर्टिकल ले लो, सभी में एक ही नाम है, ऋषि सिंह का। जी हाँ, अभी तक जितने भी विनर को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, सभी में ऋषि ही विनर है। अब अगर आप इस वीडियो को विनर अनाउंस होने के बाद देख रहे हैं तो आप कमेंट में विनर का नाम जरूर लिखिएगा और कांग्रेचुलेशंस भी जरूर बोलिएगा। और अगर विनर अनाउंस होने से पहले देख रहे हैं तो आपके हिसाब से जो भी शो के विनर हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।